लगातार कमान संभाले रहे, जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह, वो लगातार मैदान पर डटे रहे। और तो यही वजह है कि बीजेपी को भरोसा है, और जिस तरह से मोदी की गारंटी पर बीजेपी के भरोसा है, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मोदी की गारंटी पर जो चुनाव लड़ा गया है, देखना यह होगा कि आखिर मोदी की गारंटी यहां पर कितना सफल होगा। और जिस तरह किसान चाहता है कि वो संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके फसल का सही दाम मिले, और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बना है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हमारे बराबर किसानों को प्रमोट किया हो, उनके कर्जा माफ किया हो, उनके उत्पादन के इतना दाम दिया हो। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की केवल बात करते हैं, वो किसानों के आय दूना करने की बात करते हैं, लेकिन लोग अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी और डंडे से पिटाई की जाती है, उनको अलगाववादी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको नक्सली कहा जाता है, ना जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो ऐसे में पूरा देश छत्तीसगढ़ की तरफ देखता है और छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइनिंग है और छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में एक अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ के किसान और समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे, ये तेजी से प्रदेश आगे बढ़ेगा। मतलब आज किसानों ने जो आप पर भरोसा दिखाया उसका फैसला है, किसानों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, जिस प्रकार से। तो ये अमरजीत भगत को आप सुन रहे थे, खाद्य मंत्री हैं, कई सारे दावे इनके द्वारा भी लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, नतीजों से पहले कांग्रेस का जश्न देखने को मिला है, तो जश्न मनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो चुका है, पहले ही जीत से पहले ही जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हम ही जीतेंगे, दावे तो आपको लगातार सुना रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुना रहे हैं, आखिर क्या कुछ नेता कह रहे हैं। पर तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही अल सुबह की ये तस्वीरें, जब कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जोश में भरे हुए हैं और पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जीत से पहले जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। क्या कहा जाए, ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दिल्ली में पटाखे फूटने लगे हैं रिजल्ट से पहले, राजधानी भोपाल में कमलनाथ की जीत के पोस्टर लग गए थे, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त है। ठीक है, चलिए ये तस्वीरें तो आती रहेंगी। सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील चंबल अंचल महत्वपूर्ण